हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अर्चना की दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार क्राफ्ट जो बना है एक प्लाई के पीस के ऊपर। ये प्लाई का पीस भी घर में वार्डरोब के बचे हुए पीसेज में से एक है। इस क्राफ्ट को मैंने वेस्ट कीबोर्ड, वॉल पुट्टी और मोल्डेड क्ले से बनाया है। वैलेंटाइन डे पर मैंने सोचा कि मैं कुछ बनाऊँ और मैं सितारों की दुनिया में नन्हे नन्हे डॉल्स बनाकर अपने क्राफ्ट वर्क को एक नया लुक दे रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना बेस तैयार कर लिया है। प्लाईबोर्ड पर मैंने वॉल पुट्टी और इस तरीके से जो टिश्यू पेपर होता है उसको भी बिल्कुल सेट कर दिया है। और पूरा ड्राई होने के बाद अब मैं कार्डबोर्ड से लव LOVE ये 4 लेटर्स उससे काट के निकाल रही हूँ। इन लेटर्स को 3D फॉर्म में लाने के लिए 3 लेयर्स में एक के ऊपर एक चिपकाकर बेस पर सेट करूँगी। लेटर्स को बेस पर अच्छी तरह बराबर से सेट करने के बाद मैं इनके ऊपर भी फेविकोल से टिश्यू पेपर की एक लेयर लगाऊंगी, जिससे कार्डबोर्ड के कटे हुए एजेस स्मूथ दिखाई दें और सारे लेटर्स अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जिसे करने से हमारा क्राफ्ट और भी अच्छा और ड्यूरेबल बनता है और देखने में इसमें फिनिशिंग भी फिर बहुत अच्छी आती है। बेस और चारों लेटर्स अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब मैं वॉल पुट्टी डो से इन लेटर्स के ऊपर एक लेयर लगा रही हूँ, जिससे इनके ऊपर एक टेक्सचर बना सकूँ। देखिए, डो से लंबी लंबी बत्तियां बना के उसको मैं ऊपर चिपका के अभी फोर्क से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छेद छेद से बनाऊंगी होल्स छोटे छोटे, ताकि बाद में मैं इसमें जब कलर करूंगी तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से मैं इसका बेस तैयार कर रही हूं और उसमें एक टेक्सचर दे रही हूँ। अब बारी आ गई है मोल्डेड क्ले से वर्क करने की। तो अब मैं इसे इन लेटर्स के ऊपर नन्ही नन्ही डॉल्स बनाकर सेट करूंगी। इनको बराबर से लाने के लिए मैं इनके बैक साइड में कार्डबोर्ड के पीसेज लगाकर थोड़ा ऊंचा करके बनाऊंगी, ताकि ये लेटर्स के ऊपर ना जाएं, वरना तो ये अंदर चले जाएंगे और थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे तो देखने में बुरे लगेंगे। मोल्डेड क्ले, जब भी कोई छोटा स्कल्पचर बनाना होता है तो मोल्डेड क्ले बेस्ट होती है। क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है और एयर ड्राई होती है, तुरंत सूख भी जाती है और बहुत अच्छे से इसमें काम करते बनता है। लेकिन जब ये बड़े क्राफ्ट बनाने होते हैं, ज़्यादा क्ले की ज़रूरत होती है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। इसलिए मैं वॉल पुट्टी या फिर होममेड क्ले से अपना काम चलाती हूँ।
तो मेरे चारों डॉल्स बन चुकी हैं और अब मैं इनको ड्राई होने के लिए रख दूंगी और लगभग 1 घंटा लगेगा इनको ड्राई होने में। ड्राई होने के बाद अब मैं अपने क्राफ्ट वर्क को कलर कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर एक्रेलिक कलर्स का ही यूज़ करती हूँ जो आसानी से सूख जाते हैं और इनमें एक अच्छी सी शाइनिंग भी होती है। वैलेंटाइन डे पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर। बाय बाय।